हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल यस्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे कक्षावारवी गणित अध्याय 10 पर आधारित विविध प्रश्नावली, और इस विविध प्रश्नावली का हम जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा क्वेश्चन समझेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले इन क्वेश्चनों में लगने वाले बेसिक रूल पहले हम समझ लेते हैं, फिर इनके बाद इन 6 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स वाई तल में स्थित मात्रक सदिश क्या होता है। तो एक्स वाई तल में स्थित यदि मात्रक सदिश की बात करें तो वो जो मात्रक सदिश होता है, जी होता है मात्रक सदिश, यदि हम मात्रक सदिश को आर के द्वारा बताएं तो मात्रक सदिश होता है आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है। ठीक है ना, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है एक्स वाई तल में स्थित मात्रक सदिश, क्योंकि एक्स वाई में है तो केवल आई जे होता है, के नहीं होता है, फिर केवल आई जे होता है। तो एक्स वाई तल में स्थित मात्रक सदिश कहेंगे आर बराबर आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा होगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे, यदि आपके पास एक्स वाई अक्ष है, ठीक है ना, द्विविमीय ज्यामिति की बात करें तो यहाँ एक्स होता है, यहाँ वाई होता है, और यहाँ पे माइनस का एक्स होता है, यहाँ पे माइनस का वाई होता है। देखिए यदि कोई सदिश जो है एक्स वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है तो उस सदिश का जो है मान होता है एक्स आई प्लस वाई जे होता है। ठीक है ना, एक्स आई प्लस वाई जे होता है एक्स वाई तल में स्थित सदिश। ठीक है ना, मात्रक सदिश की बात नहीं कर रहे, मात्रक सदिश है तो कॉस थीटा और साइन थीटा जोड़े होते हैं एक्स वाई के मान, लेकिन यदि हम बात करें एक्स वाई तल में स्थित कोई सदिश है तो जे होता है, और यदि इस तल में है एक्स ऋण का हो जाए वाई धन का हो जाए तो फिर स्थित सदिश जो माना जाता है माइनस एक्स आई प्लस वाई जे होता है। ठीक है ना, यदि इस तल में स्थित कोई सदिश होता है तो फिर हम कहेंगे आर बराबर माइनस का एक्स आई करेंगे, माइनस का वाई जे करेंगे, और इस तल में यदि कोई स्थित सदिश होता है तो इसका जो निर्देशांक या फिर इसका मान कह सकते हैं, उसका मान क्या होता है, सदिश आर बराबर जो होता है एक्स आई होगा माइनस वाई जे होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई तल में स्थित सदिश जो है इस रूप का होता है, और यदि एक्स ऋण का हो जाए वाई धन का तो जे होता है, और एक्स वाई दोनों ऋण के हो जाए, एक्स धन का वाई ऋण का हो जाए। अब हम बात करें परिणामी सदिश। परिणामी सदिश क्या कहलाता है, यदि दो सदिश ए और बी दिए जाते हैं तो इन दोनों सदिशों का परिमाणी जो सदिश होता है परिणामी सदिश वो क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी सदिश को हम क्या कहते हैं, ए और बी का परिणामी सदिश कहलाता है ए प्लस बी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाली मात्रक सदिश को हमें ज्ञात करना है। तो हमने बताया था आपको कि एक्स वाई तल में, ठीक है ना, एक्स वाई तल में स्थित मात्रक सदिश क्या होता है। तो हमने लिखा एक्स वाई तल में स्थित मात्रक जो सदिश होता है, मात्रक सदिश मतलब जिसका मान जो है मापांक एक होता है, तो मापांक जो है एक होता है वही होता है मात्रक सदिश। तो इस मात्रक सदिश का हमने फार्मूला बताया था, यदि हम इसे आर वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करें तो हमने बताया था कि आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है ना, हमने यही बताया था ना कि आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब देखिए आई हमने जाके था लिखा कॉस थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, 30 अंश रखा है, और जे हमने जाके था लिखा साइन थीटा का मान कितना है, 30 लिखा है। अब देखिए आई हमने जाके था लिखा कॉस 30 का मान रखेंगे, कॉस 30 का मान करणी 3/2 होता है, और यहाँ पे जे कैप जाके था साइन 30 का मान लिखा 1/2, तो जे आ गया हमारा एक एकांक सदिश या मात्रक सदिश आ गया। और चाहे तो इसका आप मापांक भी निकाल के देख सकते हैं कि एक आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम करणी 3/2 का वर्ग करते हैं और यहाँ पे 1/2 का वर्ग करते हैं और चेक करते हैं कि मापांक एक आता है या नहीं आता। करणी 3 का वर्ग 3 बाहर, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। यदि आप इनका एलसीएम लेते हैं तो 4 एलसीएम आएगा, 4 4 कट गए, 3 जाके था प्लस 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 4/4 आएगा, 4/4 मतलब करणी 1 आएगा, मतलब इस आर का मापांक जो है कितना आ जाता है 1, मतलब हमारा जो मात्रक सदिश होगा। तो हमने लिखा कि एक्स वाई तल में स्थित मात्रक सदिश जो है जी वाला आंसर हो जाएगा।
तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हमें एक पी बिंदु दिया गया है, क्यू दिया गया है, इनको मिलाने वाला सदिश हमें निकालना है, फिर उसके अदिश घटक निकालने हैं और परिमाण भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा कि यहाँ पे हमें एक पी बिंदु दिया गया है एक्स वन वाई वन जेड वन, और दूसरा बिंदु दिया गया है क्यू, जो क्यू बिंदु कितना है एक्स टू वाई टू और जेड टू। अब हमें पता करना है इन्हें मिलाने वाला सदिश, तो इसीलिए हम इनको मिलाने वाला सदिश जो होगा वो पी क्यू होगा। और पी क्यू हम कैसे निकालेंगे, क्यू वाले बिंदु में से पी वाला बिंदु घटाना होगा, और क्यू वाला बिंदु क्या है एक्स टू वाई टू जेड टू, इसमें से जो है हम क्या घटाएंगे, माइनस करेंगे पी वाला बिंदु, मतलब यहाँ पे एक्स वन वाई वन और जेड वन जो है इसे हम माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू में से आपको एक्स वन घटाना पड़ेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आएगा और वाई टू माइनस वाई वन आएगा और जेड टू माइनस जेड वन आ जाएगा, तो इस टाइप से प्राप्त होगा। और इसमें जो है आप आई जे के यदि जोड़ देते हैं तो एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे आ जाएगा, और प्लस जो है जेड टू माइनस जेड वन इंटू के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक पी क्यू सदिश प्राप्त हो जाएगा। अब हमसे कहा गया है इसके अदिश घटक बताइए, तो इसके अदिश घटक देख लेते हैं क्या होते हैं। अदिश घटक मतलब आई जे के जो गुणांक होते हैं उन्हें अदिश घटक कहा जाता है। तो आई का गुणांक कितना है एक्स टू माइनस एक्स वन, एक अदिश घटक जे हो जाएगा, और वाई टू माइनस वाई वन जे का गुणांक हो जाएगा, और जेड टू माइनस जेड वन, तो जो एक्स वाई यहाँ पे जो आई जे के गुणांक होते हैं वो अदिश घटक कहलाते हैं। अब हमें परिमाण ज्ञात करना है, तो पी क्यू सदिश का हम परिमाण ज्ञात करेंगे, तो पी क्यू का मापांक ज्ञात करेंगे। अब मापांक कैसे होगा कि जो आई के गुणांक हैं, जे के गुणांक हैं, के गुणांक हैं, इनका हमें वर्ग करना होता है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का वर्ग करेंगे, प्लस जो है वाई टू माइनस वाई वन का वर्ग करेंगे, प्लस जेड टू माइनस जेड वन का वर्ग करेंगे। अब देखिए इनका वर्ग जो है सॉल्व आप नहीं कर सकते हो, या सॉल्व करने से वैसे यहाँ सर्वसमिका लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, लेकिन कोई अंतर नहीं आएगा, करनी से बाहर नहीं संख्या निकल पाएंगी, इसलिए जो पी क्यू का परिमाण होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात उत्तर से जो है 30 अंश पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है, प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन क्या होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से पहले जो है हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र बनाने के लिए जो है पहले तो हम दिशाएं बना लेते हैं। तो दिशाएं आपको पता होनी चाहिए कि ग्राफ पेपर पे आप कैसे दिशाएं दर्शाते हो, तो ध्यान देना कागज पे यदि हम दिशाएं बनाते हैं तो ध्यान रखना ऊपर होती है उत्तर दिशा और नीचे होती है दक्षिण दिशा, ठीक है ना, ऊपर होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा, और इस तरफ होती है पूर्व दिशा ईस्ट होती है, और इस तरफ होती है पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट होती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, समझ लो पहले लड़की यहाँ थी ओ बिंदु पर थी, अब वो पश्चिम की तरफ चली कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर चली, समझ लो वो यहाँ कहीं आ गई। इसके बाद कहा गया है कि वह जो है उत्तर दिशा से जो है 3 किलोमीटर जो है चलती है 30 अंश का कोण बनाते हुए, तो ये उत्तर दिशा जो है यदि हम देखते तो बिल्कुल सीधी होती है उत्तर दिशा, इस उत्तर दिशा से कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है उत्तर दिशा तरफ में, तो उत्तर दिशा तो इस तरफ होगी, मतलब यहाँ पे कुछ जो है इस टाइप से फिर चली होगी, 3 किलोमीटर चली होगी और 30 अंश का कोण बनाया होगा। तो यदि हम बात करें जो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो है कितने अंश का कोण बना होगा, यहाँ पे 30 अंश का कोण बना होगा, और कहाँ पे पहुंच गई, समझ लो यहाँ इस बी बिंदु पे पहुंच गई, इस ए बिंदु से अब बी बिंदु पर पहुंच गई और 3 किलोमीटर की दूरी तय करके गई है। अब हमें बताना है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से जिस बिंदु पे पहुंच चुकी है वहां तक जो है विस्थापन कितना होगा, इस विस्थापन का हमें मान ज्ञात करना है, मतलब ओ बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ओ बी का मान क्या होगा, ओ बी सदिश ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हमें ओ बी सदिश का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए हमें कौन कौन सी चीजें पता हैं, ओ से ए तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है, तो हमें दिया गया है ओ से ए तक की जो दूरी है
4 किलोमीटर बता दी गई है, और ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी बता दी गई है, 3 किलोमीटर बताई गई है, और ओ बी हमें निकालना है। पहले ओ बी का सदिश हम निकालेंगे। तो देखिए अब कैसे हम कर सकते हैं, एक यदि हम बी बिंदु से इस पे एक लंब रेखा खींच देते हैं, लंब रेखा खींचते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही लंब रेखा खींची तो इस लंब की लंबाई मान के चलिए वाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम एक्स मान के चलते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक एक्स मान ली तो फिर जो है यहाँ पे एक बिंदु जैसे हमने सी ले लिया, तो यहाँ सी से लगा के ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, जे टोटल है 4 और इतनी है एक्स, तो जे हो जाएगी फिर 4 माइनस एक्स, ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स। तो हमने जो है एक लंब बनाया, मान के चले हैं हम कि इस बी सी लंब की लंबाई जो है कितनी है वाई है, और जो है सी से लगा के ओ तक की दूरी एक्स है, तो फिर ए सी का जो मान होगा 4 माइनस एक्स हो चुका है, तो 4 माइनस एक्स लिखा है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो है एक्स वाई तल में स्थित किसी सदिश को निकालना हो, तो हमने देखा था यदि जो है इस तल में कोई है, मतलब एक्स ऋण का होता है और वाई धन का होता है यदि, तो जो सदिश होता है वो इस रूप में होता है, तो ओ बी सदिश भी होगा इसी रूप में होगा। तो मान के चले हम कि जो ओ बी सदिश होगा माइनस का एक्स आई होगा प्लस का वाई जे होगा, तो मान के चलते हैं कि ओ बी सदिश इस प्रकार से होगा, क्योंकि जे हमने पढ़ा था उसी नियम के तहत जो है हम कह सकते हैं यदि एक्स वाई तल में कोई सदिश होता है तो उसे इस रूप में माना जाना चाहिए, इस तरफ होता तो इस रूप में, इस तरफ होता तो इस रूप में, तो इस तरफ है ओ बी जो सदिश है इस तरफ है, इसलिए हमने जे मान के चले। अब हमने इसे समीकरण एक का नाम दे दिया। आप देखिए हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने होंगे, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम देखें एक चित्र बन रहा है ए सी बी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमने लिखा यहाँ समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, हमने लिखा समकोण त्रिभुज जो बन रहा है ए सी बी, इसमें से हम एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यदि हम अलग एक चित्र बना दें ए सी बी, तो ध्यान से आप समझना, ए सी बी यदि एक अलग चित्र बनाते हैं तो इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे जो लंबाई है जे कितनी है, 3 लंबाई है, जे मानी हमने 4 माइनस एक्स और जे मानी है वाई। यहाँ का कोण यदि हम देखें तो देखिए जब यहाँ पे 30 अंश का कोण था तो इतना जो बाकी बचा होगा जो 60 अंश का बचा होगा कि नहीं बचा होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा 90 अंश का कोण बनता, जे 30 का है तो ये कितने का बचा होगा, 60 का बचा होगा। अब देखिए यदि हम जो है एक समकोण त्रिभुज एसीबी लेते हैं और इसमें साइन थीटा निकालें, थीटा मतलब यदि साइन 60 अंश निकालते हैं तो साइन 60 अंश का मान क्या होगा, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पे वाई है और बटे कर्ण कितना है 3 है। अब साइन 60 का मान कितना आप रख सकते हो, कर्णी 3/2 रखते हैं बराबर y/3 जाके, था यदि यहाँ से आप तिर्यक गुणा करते हुए तो 2y बराबर मिलेगा हमें, 3 कर्णी 3 मिलेगा, और y का मान कितना मिल जाएगा, 3 कर्णी 3/2, तो y का तो हमें मान मिल चुका है। अब साइन थीटा की जगह यदि हमने कॉस थीटा निकाला होता, ठीक है ना, साइन थीटा की जगह यदि हम कॉस थीटा निकालते तो क्या होता, कॉस थीटा मतलब यहाँ कॉस 60 अंश का मान यदि निकालते तो आधार बटे कर्ण करना होगा, कॉस में तो आधार बटे कर्ण होता है, 4 माइनस एक्स/3 हो जाएगा। अभी यदि हम बात करें कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर यहाँ पे 4 माइनस एक्स/3 हमने जांकेता लिखा, यदि हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 एक्स/3 = 3 आएंगे, और फिर यहाँ पे कह सकते हैं -2x/ हो जाएगा 8, उस तरफ ले जाएंगे तो -5 बचे होंगे, और यहाँ से x का मान देखा जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5/2 प्राप्त होगा। अब आपके पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, तो x y के मान यदि हम समीकरण एक में रख देते हैं तो हमें जो विस्थापन का मान ज्ञात करना है, उस विस्थापन का जो सदिश हो जाएगा वो भी, वो क्या हो जाएगा, x की जगह x का मान रखिए, तो x का मान -5/2, क्योंकि 5/2 और माइनस चिन्ह भी लगाना है, और i हो जाएगा, और प्लस y का मान जो है कितना है, 3 करणी 3/2 j लिखा। देखिए अब आंसर तो यही आ रहा, वैसे आप यदि और आगे करना चाहें तो इस विस्थापन का मापांक ले सकते हैं तो आपको आंकिक रूप में आंसर आ जाएगा, लेकिन यही आंसर बताया गया है इसलिए हम इतना ही करेंगे।
देखते हैं अगला सवाल दिया गया है कि यदि सदिश ए बराबर है सदिश बी प्लस सी के, तब क्या यह बात सत्य होगी कि सदिश ए का मापांक बराबर होगा सदिश बी का मापांक प्लस सी का मापांक। अपने उत्तर की पुष्टि करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, एक सदिश ए मान लेते हैं। तो ए सदिश जैसे हमने माना आई प्लस जे प्लस के मान लिया एक सदिश ए, और एक सदिश जो है हमने ए सदिश माना है, तथा एक सदिश हम बी मान के चलते हैं। जैसे हमने बी मान लिया सदिश, समझ लीजिए यहाँ पे माना हमने, जैसे बी सदिश मान लिया है 3i 3j और यहाँ पे 3k, ठीक है ना, एक बी सदिश मान लिया। तथा हमने एक सी सदिश, ठीक है ना, एक सी सदिश माना। लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि बी और सी का योगफल ए के बराबर होना चाहिए, तो फिर जो है हमने सी सदिश माना, माइनस का 2i और यहाँ पे माइनस का 2j और माइनस का 2k माना। तो इस टाइप से माना हमने। आप देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे बी और सी सदिशों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, यदि हम 3i 3j और यहाँ पे 3k, यदि इनका टोटल हम सी सदिश के साथ करें, माइनस के 2i माइनस के 2j माइनस के 2k के साथ टोटल करते हैं, तो 3i में 2i अलग कर दोगे, 1i मिलेगा और यहाँ पे 1j मिल जाएगा और 1k मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ए सदिश प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये बात तो कन्फर्म है कि दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर है। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये बात भी सत्य होती है। तो यदि हम ए का मापांक निकालें तो ए का मापांक कितना आएगा, एक का वर्ग एक का वर्ग एक का वर्ग आएगा। तो हमने लिखा एक का वर्ग आएगा, एक का वर्ग आएगा, यहाँ पे एक का वर्ग आएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक प्लस एक हो जाएगा, 3 बार करनी 3 हो जाएगा। यदि हम बी सदिश का मापांक निकालते तो यहाँ 3 3 3 चल रहा है, तो फिर करते 3 का वर्ग करते तो यहाँ पे 3 का वर्ग 9 होता, 3 का वर्ग 9 होता, 3 का वर्ग 9 होता, मतलब यहाँ पे 27। और 27 के गुणनखंड यदि आप 3 गुणे 3 3 बार रख देते हैं, तो 3 गुणे 3 हमने रखे, तो यहाँ पे 3 करनी 3 हमें इसका मान प्राप्त होगा। अब यदि हम सी का मॉड निकालते तो सी का मापांक -2 -2 -2 चल रहा है, तो फिर हमें -2 का वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ पे भी -2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे भी -2 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 यहाँ पे भी होगा 2 का वर्ग 4। अब यहाँ पे 4 4 8 4 12 हो जाएगा। अब 12 के आप गुणनखंड रख देते हो, 2 दूनी 4 3 12 गुणनखंड रखते हो, तो यहाँ पे 2 बाहर निकल के आएंगे, तो 2 करनी 3 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे देख रहे हैं क्या ऐसा होता है कि मॉड ए का मान मॉड बी प्लस मॉड सी के इक्वल है या नहीं है। तो चेक करेंगे यदि आप, तो मॉड ए का मान करनी 3 है, मॉड बी का मान 3 करनी 3 है, इसका मान 2 करनी 3 है। यदि आप दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे करनी 3 और यहाँ पे 5 करनी 3 बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बात जो है सत्य नहीं है। हमने उदाहरण दे के देखा, यहाँ पे ये बात अलग है कि ए और सी का योगफल बी के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए और सी का योगफल बी के बराबर नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि ए जो है बी और सी के योगफल के बराबर तो है, लेकिन उनके मॉड आपस में बराबर नहीं होते। बी का और सी का मॉड जोड़ा जाए तो ए के बराबर नहीं होगा। तो यह बात जो है असत्य साबित होती है या सत्य नहीं है। देखते हैं अगला सवाल है, एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए कि दिया गया सदिश कैसा है, एक मात्रक सदिश है। तो यदि हम बात करें तो सदिश जो है मान के चले, जो सदिश हमें दिया गया है मान के चले आर सदिश है ये, ठीक है ना, कुछ भी सदिश मान लो, ए मान लो, आर मान ले, तो हमने आर सदिश माना। अब आर सदिश कितना था हमारे पास, एक्स और आई प्लस जे प्लस के था, एक्स इंटू में था। अब एक्स इंटू में है तो एक्स का यदि आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यदि आप जो है एक्स का आई से गुणा करोगे, एक्स आई एक्स का जे के साथ करोगे, एक्स का के साथ करोगे, बराबर सदिश आर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे यदि हम मापांक निकालते हैं तो आर का मापांक निकालेंगे, तो मापांक के लिए हमें क्या करना होगा, आई का गुणांक एक्स, जे का गुणांक भी एक्स है,
और के का गुणांक भी कितना है एक्स है। अब देखिए जे पूरा क्या है, मात्रक सदिश है, तो इसका मान कितना लिख लीजिए, एक लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए, क्योंकि जो है आर का मापांक क्वेश्चन में बताया गया है एक है, क्योंकि क्या है जे एक मात्रक सदिश है, तो इस वजह से इसका मान हमें कितना लेना पड़ा है, एक लेते हैं। और यहाँ पे एक्स का वर्ग जोड़ेंगे तो 3x वर्ग हो जाएगा, और यदि हम बात करें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो 1 बराबर 3x वर्ग हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एक्स वर्ग बराबर 1/3 हो जाएगा। एक्स बराबर यदि निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 1/3 पे, और जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स का मान जो होगा, अब यहाँ एक को तो करणी से आप बाहर लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस 1/3 हमारा एक्स का मान हो जाएगा। अब देखिए अगला छठवां सवाल है, दो सदिश दिए गए हैं कि परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना होना चाहिए, 5 इकाई। तो पहले तो हमें जो सदिश दिया गया है ए और बी जो सदिश दिए गए हैं, पहले हम ए और बी का परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे। तो ए और बी का परिणामी सदिश क्या होता है, हमने आपको बताया था दोनों सदिशों का योगफल होता है इनका परिणामी सदिश, मतलब यदि उसे आर के द्वारा बताएंगे तो वो ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब ए का मान यहाँ पे है 2i+3j माइनस के है, और जो है यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा के जो है हमें दूसरा सदिश जो दिया गया है बी, यहाँ i-2j और फिर प्लस के लिखा हमने, दोनों को जोड़ेंगे तो 2i और 1i हो गए, 3i यहाँ पे 3j में से 2j अलग कर देते हो तो 1j बचा होगा, माइनस का k और प्लस का k अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे 0k आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना k को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए r का यदि हम मापांक निकालते हैं तो r का मापांक क्या आएगा, यदि हम देखें तो यहाँ पे आएगा 3 का वर्ग करेंगे और प्लस जो है 1 का वर्ग करेंगे और प्लस जो है यहाँ पे 0 का वर्ग करेंगे, तो 0 का वर्ग करने की तो जरूरत नहीं है, 9 और 1 हो गया, कितना हो गया 9 और 1 10 हो गया, तो करणी 10 आया। अब देखिए यदि हमें 1 इकाई वाला निकालना होता, ठीक है ना, 1 इकाई वाला सदिश निकालना होता, तो 1 इकाई वाला सदिश कैसे निकालते, 1 इकाई वाला सदिश एकांक सदिश कहलाता है, और एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, सदिश आर बटे मापांक आर करते हैं। अब यहाँ पे सदिश आर हमें क्या दिया गया है, 3i दिया गया है प्लस j दिया गया है, 0k लिखने की जरूरत नहीं है, और बटे करणी 10 आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब अलग अलग बटे भी लिख सकते हैं, या फिर जो है और थोड़ी सा हम सरल बना के चलते हैं, बटे में करणी में संख्या है और करणी में यदि बटे में संख्या होती है तो उसका हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो करणी 10 का हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, तो करणी 10 का यदि हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फिर करणी 10 और इंटू में आया होगा फिर यहाँ पे 3i+ यहाँ पे जे आ जाएगा इंटू में, और नीचे जो है करणी 10 और करणी 10 के 10 बाहर हो जाएंगे, तो जे आया हमें 1 इकाई वाला सदिश आया, लेकिन हमें चाहिए था जिसका परिमाण 5 इकाई हो, तो 5 इकाई वाला चाहिए, तो हमने लिखा फिर आता है 5 इकाई वाला, ठीक है ना, हमने लिखा था 5 इकाई वाला सदिश या 5 परिणामी वाला सदिश जो होगा, जे 1 इकाई वाला है, हमें 5 इकाई वाला चाहिए, तो फिर हम 5 का गुणा करेंगे ना, इसमें 5 गुणित करणी 10 और यहाँ पे जो है 3i+j है और बटे 10 हमने जाके ता लिखा है, इसके बाद संख्या जो है आप चाहे तो काट भी सकते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब आप जो है इस करणी 10 का चाहे तो, यदि करणी 10 का जो है इस 3i से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा करणी 10 और इंटू 3, मतलब 3 करणी 10 हो जाएगा, बटे 2 चल रहे हैं, इंटू i हो जाएगा, और फिर प्लस जो है करणी 10 का गुणा जो है j के साथ करेंगे और बटे 2 इसमें भी लिखेंगे, तो करणी 10 बटे 2 इंटू j लिख देते हैं, और यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा।